हमने पिछले सेशन में बात करी थी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर हमको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो हम किसी रिमोट एरिया में भी बैठ करके पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर सकते हैं। अब कैसे करना है उसको आज डिस्कस करते हैं। जिस भी एरिया में आप रहते हो, हर एरिया के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उस एरिया के फेमस होते हैं, या दैट एरिया इज नोन फॉर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जिसकी क्वालिटी वहां पे बहुत अच्छी होती है और जो वहां पर सस्ते में बनता है, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे होता है हर एरिया में? नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने यूपी से हैं? यूपी में एक जगह है खुर्जा। सुना है इसके बारे में आपने? खुर्जा का क्या फेमस है? पॉटरी। पॉटरी पता है ना क्या होती है? गमले होते हैं, ये होता है, वो होता है, पॉटरी प्रोडक्ट्स, प्लेट, ये वो, व्हाटएवर, है ना, सेरेमिक भी बोलते हैं उसको शायद। तो पॉटरी की वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है। वहां पर जो चीज 100 रुपए की मिलती है, वो अगर आप यहाँ पर जाकर के थोड़ा सर्वे करोगे दिल्ली में, बॉम्बे में, ऐसी जगहों पे, तो वहां पर वो 500 रुपए से 1000-1000 रुपए, 2000-2000 रुपए तक की मिलती है। इतना डिफरेंस है। तो अगर आप वहीं पर रह करके, उसी एरिया में रह करके, ऐसी गुजरात में कुछ एरियाज हैं जहाँ की मान लो साड़ी फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है, कुछ ऐसा जिसको आप पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सको, मतलब पूरे वर्ल्ड को टारगेट कर सको। चलो वर्ल्ड को भी अभी हटा देते हैं, शुरू के लिए इंडिया से आप शुरू कर सको। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो ये कितना मुश्किल है आपके लिए, अगर एक्चुअल में आती है तो। और मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक चीज और ऐड कर देता हूं, अगर एक्चुअल में आप सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, तो आइडियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केटिंग सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ आइडिया भी बड़ा कमाल का आपके माइंड में आ गया, या आपने कहीं से सुन लिया, या मेरा ही कोई आइडिया सुन लिया और सुन करके उसको करने लग गए, लेकिन मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता है, फेल हो जाओगे। तो मार्केटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैन्युफैक्चरिंग। और इनफैक्ट आपको मजेदार बात बताता हूं, अगर आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, कैसा भी प्रोडक्ट, उसमें ध्यान से आप पैकेजिंग में पढ़ोगे ना, तो उसमें क्लियर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड मार्केटेड बाय। इवन द बिगेस्ट ऑफ ब्रांड्स वो भी यही कर रहे हैं, वो खुद नहीं बनाते हैं, ऐसा लगता है हमको कि वो खुद बना रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, कोई और बना रहा है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं। छोटे से छोटा ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड, सब यही कर रहे हैं आज की डेट में। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अगर मार्केटिंग सीखनी है तो आप क्या करें। एक बुक है फिलिप कोटलर की, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। इतनी मोटी बुक है, पढ़ने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो बिजनेस को लेकर के, पढ़ लो एक बार। मेरा एक बार में समझ ही नहीं आया। हाँ, वो एक बार में समझ नहीं आएगी, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, पढ़ने में कुछ जा तो नहीं रहा है ना। और किस लिए पढ़ रहे हो? कोई एग्जाम देना है जाकर के, कहीं से नंबर आएंगे, या कोई आपको नंबर देने वाला है, किस लिए? कि भाई बिजनेस करना है तो मार्केटिंग आनी ही चाहिए, आपका माइंड मार्केटिंग माइंड होना चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी जगह पे बिजनेस देख लोगे, ऐसी छोटी मोटी जगहों पे, जो सुनते ही आदमी कहेगा ये क्या है, ये कोई काम है, वहां पर भी आपको बड़े बड़े बिजनेसेस नजर आएंगे, अगर मार्केटिंग माइंड है तो। मार्केटिंग माइंड नहीं है तो बड़े से बड़ा भी आइडिया आपके सामने पड़ा होगा, आप उसको भी छोटा बना दोगे, छोटी सोच में फिट कर दोगे। मार्केटिंग से चीजें बड़ी होती है। तो ये बुक आपने ले ली, चाहे इसकी ई बुक ली, चाहे फिजिकल कॉपी ली, और इसको दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, चार बार पढ़ लिया, जब तक ये समझ ना आ जाए। अगर ये समझ नहीं आ रही तो बिजनेस मत करो ना, क्यों कर रहे हो? आप दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, जब समझ आ जाए, मान लो एक महीना लगा इस प्रोसेस में, तब सोचो बिजनेस करने का। अब कहो कि हाँ यार मेरे को फंडे तो समझ आ गए, फंडामेंटल्स मतलब थ्योरी समझ आ गई है बिजनेस की, अब प्रैक्टिकली करना है। तो पहले आपने वो बुक पढ़ी, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग को सीखा, अब वो भी आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मार्केटिंग इज मार्केटिंग, समझ गए ना, बेसिक फंडामेंटल सेम है, बस मीडियम अलग है। सो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे एरिया का क्या यहाँ पर ऐसी चीज है जो फेमस है, प्लस सस्ता है, प्लस इसकी ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। ऐसा भी ना हो कि आपके एरिया में कोई चीज बनती है खाने पीने की, लेकिन और जगह पे उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर अगर वो बनती भी है तो वो बनते ही 2 घंटे पे खराब हो जाती है। अब आप कहोगे मैं इसको पूरे इंडिया में करूंगा, तो तब तक तो भाई काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढना है जिसको आप भेज भी सको। अब पॉटरी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे ही आप उसको कुरियर करोगे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो टूटेगा। तो आपको यहाँ पे इस बिजनेस में सबसे पहले क्या फिगर आउट करना है, पैकेजिंग। साड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं है, सूट में, लहंगे में, इन सब चीजों में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें तो है ना। तो पैकेजिंग को आपको फिगर आउट करना है, और वो फिगर आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें दिमाग दौड़ाना है कि कैसे मैं थर्मोकोल लगा करके ये वो इतना मोटा लगाता हूं। तो उसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, कुछ पैक किया, यहां से किसी को अपने किसी रिलेटिव को कुरियर किया,
जैसे मान लो वहीं पे रहते हो यूपी में, मेरठ में या वहाँ पे कहीं भी आप रहते हो, तो वहाँ से आपने कहीं किसी को कुरियर किया, फिर पूछा फ़ोन करके, दिल्ली में बॉम्बे में आपके रिलेटिव्स रहते होंगे, इसको क्या बोलते हैं R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ गए? आपने अलग अलग तरह की पैकिंग करके भेजा, उस पर नंबर लिख दिया 1, 2, 3, आपने पूछा अच्छा कौन सा सबसे बेस्ट कंडीशन में आया है, कौन सा टूट गया है, तो आपने जब ये R&D कर लिया, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इस तरीके से भेज सकता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आती है आपको। अब देखना, ध्यान से समझना, दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है एक तरह का मॉल, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो एक तरह का शॉपिंग मॉल है जहां पे सब कुछ मिलता है। एक होते हैं स्टोर्स ऑनलाइन, जहां पे एक पर्टिकुलर नीश सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। नीश होता है मतलब इतने बड़े में से एक छोटे से सेगमेंट में आप एक्सपर्ट बन गए, जैसे ये वाली वेबसाइट्स भी हैं, प्लस ग्रोसरी की भी वेबसाइट्स हैं। हाँ, जबकि वहां पे ग्रोसरी भी मिलती है, फिर भी ग्रोसरी की एक अलग वेबसाइट है। बच्चों के प्रोडक्ट्स भी वहां पर मिलते हैं, लेकिन बच्चों के प्रोडक्ट्स की कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वो क्या हो गए, वो स्पेशलाइज्ड हो गए एक पर्टिकुलर एरिया में। तो आप भी कुछ ऐसे ही करने वाले हो। आपको क्या करना है, एक नीश को आपने पकड़ लिया। नीश क्या है, पॉटरी को पकड़ा फॉर एग्जाम्पल। अब आप इसको इस तरीके से देखो, पूरे इंडिया में कहीं भी किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, इसी सेगमेंट में हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं, कप प्लेट से लेकर के गमले होते हैं, वास होता है, कुछ शो पीसेस होते हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं। इसकी आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या आप प्रोडक्ट खुद बना रहे हो? प्रोडक्ट्स ऐसे चुनो जो आपको पता है कि जिसकी क्वांटिटीज रेडिली अवेलेबल होती है। आ रही है पूरी बात समझ में? आ रही है बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है ना? हाँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट मत पकड़ लेना कि जो आपको अभी तो मिल जाए, लेकिन मान लो उसके 100 ऑर्डर आ गए, अब वो प्रोडक्ट है ही नहीं, अब आप शिप ना कर पाओ। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आपको पता हो कि सबसे ज्यादा जो चलने वाली आइटम्स हैं, जो आपको पता है पिछले कई सालों से बन रही है और आगे भी बनती रहेगी, वो आप पहले ही उससे रिटेलर से पूछ लेना। अभी बहुत बड़े लेवल के टाइप के बारे में मत सोचो, मतलब यू डोंट नीड टू गो डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा आपने किया क्या है, आप हो कौन, समझ गए? लेकिन उनके जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वहां जो बंदे बैठे हैं, मान लो 2-4-5 साल से 10 साल से जॉब करते हैं, उनको पता तो सारा है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। तो वहीं से आपने कुछ रिटेल में ही प्रोडक्ट्स परचेस कर लिए, समझ गए ना? कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, मान लो 10,000 रुपए की। अब आपको चाहिए एक ई कॉमर्स स्टोर, वो कहां से बनेगा? ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, शॉपिफाई। किसने बोला ये? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम जी। Shopify इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है या एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। अब ध्यान से समझो, Shopify का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाने निकल गए, ज्यादातर हम गलती क्या करेंगे, मेरा एक दोस्त है इसने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीखी है मैं इससे बनवा लूंगा, आप भी मरोगे वो भी मरेगा, वो वेबसाइट कभी तैयार ही नहीं होगी, बनाते रहो और उसके बाद इतने बग्स होंगे उसके अंदर, बग्स पता है ना? Yes, हाँ, इतने बग्स होंगे कि वेबसाइट चलेगी ही नहीं, रोते रहोगे बैठे बैठे। तो ये गलती कभी मत करो, इसमें एक तो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है, प्लस कॉस्ट भी ज्यादा लगने वाली है किसी और से अगर आप बनवाओगे। Shopify में क्या हुआ, एक ऐसी वेबसाइट है जो अगर आप खुद बनवाने निकल जाते हो तो कम से कम उसमें पता है कितना खर्चा आएगा, जिस लेवल की वो वेबसाइट है, लाखों रुपए लगने वाले हैं। तो स्मार्ट वर्क करो ना, हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? हार्ड वर्क क्या है कि मैं खुद बनाऊंगा अपनी वेबसाइट, उस लेवल की वेबसाइट बनाने में आपको कई साल लगेंगे, प्लस लाखों रुपए लगने वाले हैं, तब भी पक्का नहीं है कि आपकी उस लेवल की वेबसाइट बन पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके पीछे हजारों प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके पीछे हजारों लोग काम कर रहे हैं। वो वेबसाइट आपको कितने में मिल जाती है? Shopify का स्टार्टिंग प्लान क्या है? $29 पर मंथ, मतलब कितने का हो गया? 2,000 रुपये महीना हो गया। 2,000 रुपये महीने में अपने खुद के डोमेन के नाम से एक ई कॉमर्स स्टोर आपका बन गया है। आप ये कह लो 2,000 रुपये महीने में आपका एक स्टोर खुल गया है। देखना, दो तरह के अलग अलग माइंडसेट है। एक माइंडसेट है टिपिकल जो आपके पेरेंट्स का होगा, या जो पुरानी जो पिछली जो जनरेशन है उनका होगा, वो क्या होगा, अच्छा एक काम करना है दुकान खोल लो। Yes, sir. कहना आसान है बट करने में कितने पैसे लगते हैं? Yes, लाखों रुपए चाहिए, पहले उसका रेंट, फिर उसको बनवाना, इंटीरियर, ये वो, फिर स्टॉक करो, ये करो, पता नहीं क्या क्या, और प्लस वो स्टोर जो आपने खोल भी लिया किसी एक जगह पे, तो वो एक ही जगह पे तो है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन स्टोर, वो किस जगह पर है? आप 2,000 रुपये महीने में पूरे वर्ल्ड में पहुंच चुके हो, यानी खुर्जा बैठे बैठे आप US में भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, Shopify में वो सारे ऑप्शन ऑलरेडी है कि अगर कोई US से आएगा तो उसको वहां पर जो प्राइसिंग है वो डॉलर्स में दिखेगी,
कोई यूके से आएगा तो उसको वहां की करेंसी में दिखेगी, यूरोप से आएगा तो वहां की करेंसी में दिखेगी, इंडिया से आएगा तो यहाँ की करेंसी में दिखेगी। ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहां पर लिस्ट करते चले जाना है अपने प्रोडक्ट्स को। तो अगर आपने अपना एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर बना लिया, पहले आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ये प्रोडक्ट आपको समझ आ गया कि हाँ पूरे वर्ल्ड में पोटेंशियल तो है, लोगों को चाहिए ये प्रोडक्ट, एक तो तरीका है वो वहीं जा करके किसी स्टोर से खरीदें, एक है ऑनलाइन खरीदें। तो आपने अपना स्टोर बना लिया, उसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल pottrybazaar.com। बाजार इसलिए क्योंकि बाजार इज नॉट जस्ट एन इंडियन वर्ड, ये यूएस में भी लोग समझते हैं। तो नाम भी आपने ऐसा रखा जो इंटरनेशनली लोगों को समझ आए, मतलब इंडियंस को भी समझ आया, बाहर को भी समझ आया, सबको समझ आ गया। सो अब आपने क्या किया, अपना एक स्टोर बना लिया, उस स्टोर में आपने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लिए, एक तरीके से वो आपके पास में बेसिक स्टॉक हो गया कि अगर एकदम से एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया तो वो तो आपके पास ही पड़ा है, वो आपने एज इट इज दे दिया। 50 प्रोडक्ट्स भी लिया, ऑन एन एवरेज 200 रुपए की भी आपको कॉस्ट आई, तो कितनी की इन्वेस्टमेंट हो गई, 10,000 की हो गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 10,000 की आपने खुद इन्वेस्टमेंट कर दी। अभी क्यों कर रहे हो अपनी जेब से, ताकि जब आप जाओ किसी मैन्युफैक्चरर से मिलने तो उसको कुछ दिखाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, समझ गए? नहीं तो एकदम से आप उठ करके चले जाओगे, वो कहेगा अच्छा क्या करने वाले हो, ये करने वाला हूँ, कहाँ है कुछ दिखाओ, ना आपके पास कोई वेबसाइट है, ना कोई स्टोर है, सिर्फ बातें हैं। तो आपने अपना स्टोर बना लिया 10,000 रुपये में, और प्लस 2,000 रुपये महीना आपका वहाँ पे उसको आपको शॉपिफाई वालों को देना, आपका स्टोर तैयार है आपका अपना डोमेन नेम से। अब आप एक ई कॉमर्स स्टोर के ओनर हो, अब उस विजिटिंग कार्ड के साथ अगर आप जाते हो, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल टाइप के हैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना, इनके लिए ऑनलाइन एक स्टोर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके लिए क्या है कि आपने एक स्टोर बनवाया है ऑनलाइन, वेबसाइट बनवाई है लाखों रुपए खर्च के, अब आप दोनों एक लेवल पे हो, बात करने के लिए एक लेवल पे आना जरूरी है ना, पहले अपने माइंड में पहले एक लेवल पे आ जाओ, बाद में उनके सामने एक लेवल पे आओगे। ध्यान से समझना मेरी इस बात को, ये मैं बता रहा हूं, जब तक आपके खुद के माइंड में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप कौन हो, आप फाउंडर एंड सीईओ हो पॉटरी बाजार के, आप अपने ही उसमें उनके प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके आप सब कुछ करोगे, आप उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उनको उनके पैसे दे रहे हो, कब खरीद रहे हो, जब बिक रहा है। जैसे जैसे आपका स्टोर बनता चला जा रहा है, मानो 10-20,000 रुपए में आपका ये स्टोर पूरा तैयार हो गया, अब आ जाता है इसकी मार्केटिंग कैसे करनी। इसीलिए मैंने कहा पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर पढ़ो, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखो, फिर ये सब करो, जब बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं मार्केट कर लूंगा, कि कैसे ऐड करनी है अब इस वेबसाइट की, कैसे यहाँ पे लोग आएंगे, कैसे खरीदेंगे, क्या होगा, वो पूरा आपने पहले ही स्टडी कर लिया है। प्लस आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गई आपकी अपनी वेबसाइट, अब आपके पास अपनी वेबसाइट है तो अब आप अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया, लाखों लोग हो गए हैं जो वहां पे अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। आप में से भी बहुत सारे ऐसा काम कर रहे होंगे, कितने कर रहे हैं, अमेजोन देख रहे हो, यहाँ पर भी इतने लोग बैठे हैं, तो बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो पहले शुरू में क्या हुआ था, कोई भी आता था तो वो उसको अलाउ कर देते थे, आज उनके भी अपने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं, अब वो हर किसी को नहीं लेते हैं। बट इफ यू हैव योर ओन ई कॉमर्स स्टोर, अब अगर आप इन लोगों को अप्रोच करते हो, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, तो अब आप एक लेवल पे हो, तो वो भी आपको सीरियसली लेंगे। बिना किसी ऑनलाइन स्टोर के आप वैसे ही उनसे बात करते हो तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि हाँ ठीक है, हमको हजारों लाखों लोग अप्रोच कर रहे हैं, आप भी उसी में से एक हो। बट अगर आपके पास में कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग, तो वो आपको सीरियसली लेंगे। आप समझे मैंने क्या बोला है? तो आप खुद भी डायरेक्टली भी कर रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में, प्लस इनके थ्रू भी कर रहे हो, प्लस अगर विजन और बड़ी है तो ebay.com को भी आप अप्रोच कर सकते हो। उनकी दो तरह की वेबसाइट है, एक .com है, एक .in है। .in मतलब इंडिया के लिए हो गई, .com मतलब अगर उस पर आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया तो आप यहीं बैठे बैठे, मतलब खुर्जा में बैठे बैठे, आप यूएस की मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो, जहां पे वो लोग डॉलर्स में पे करेंगे, और उनके लिए अगर उनको चीज समझ आती है तो पैसे मायने नहीं रखते हैं। अगर एक प्रोडक्ट आपको मान लो $1 का पड़ रहा है और वो आपने 10-20 डॉलर का भी बेच रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और कितना बिक सकता है उसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं। और ये सब जो मैं कह रहा हूं ना, ये मत समझना ये सब थियोरेटिकल है, लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग इंडिया में ऑलरेडी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है। ये सारे पत्ते खुल रहे हैं अभी आप, ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर की जो है ना, ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है, ये लीक हो रही है।
अभी बिजनेस मॉडल समझ आ गया है? Yes, आपका एक स्टोर बन गया pottrybazaar.com और प्लस आपके और स्टोर्स खुल गए हैं और अलग अलग ई कॉमर्स जो पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है, वहां पर भी एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस होते हैं कि जैसे ही वहां पे कोई मान लो कप प्लेट सर्च करेगा तो आप वहां पर भी अमेज़न पे भी ऐड कर सकते हो। एक है नॉर्मल लिस्टिंग में आ रही है, क्योंकि जैसे कोई कप प्लेट वहां पे सर्च करेगा हजारों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो वहां पर भी आपको टॉप पे आना है, क्योंकि ई कॉमर्स का सीधा सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है, इसको याद रखना। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मान लो 100वें पेज पर है तो किसी को नहीं पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग काम आने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना स्टोर तो खोल देते हैं फिर किसी ना किसी को हायर करते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। अब जिसको हायर करेंगे वो और भी 20 बंदों का काम कर रहा है, तो वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा या आप खुद करोगे तो ज्यादा एफर्ट लगाओगे। समझ गए ना स्ट्रेंथ? इसीलिए मैंने शुरू कहां से किया था, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और फिर अब आप इस पूरे डिजिटल वर्ल्ड को कैप्चर करते चले जा रहे हो। यहां पर लोग ऑलरेडी इस बिजनेस मॉडल के थ्रू कितना कमा रहे हैं, कुछ आइडिया है? महीने का कितना कमा रहे हैं? लाखों और करोड़ों, मैं कमाई की बात कर रहा हूं, सेल की बात नहीं कर रहा हूं। लोग ये जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया है इसके थ्रू लाखों करोड़ों रुपए ऐसा नहीं कमा सकते हैं, हजारों लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो लाखों लोग महीने के लाखों रुपए इसके थ्रू कमा रहे हैं। तो किसी का दिमाग बंद होगा तो वो क्या कहेगा, मुश्किल है। दिमाग खुला होगा तो वो क्या कहेगा, अरे जब लाखों कर सकते तो मैं नहीं कर सकता क्या, मैं इतना क्या गुजरा हूं क्या।